श्री परमानंद जी भाई बाल मुकंद जी परमानंद जी बाल मुकंद जी Thank you.
सुहाग सुहाग है नहीं वो तू पार या पर सत्य वहां भरी हुई
रुक्मणी थी सहज सुबह रुक्मणी आ बात का करो विचार सह सुबह होने पर बच्चे का ना विस्तार ना पर अहंकार वहां पर तकरार सतभा कर रही थी वो वह बार बार इधर कल वृक्षा कर हो रही चंद्रकार सत्य बाबा से भी वर्त जो ही रहे करवाए पर करने पर भी पूर्णता तो उसे तो नहीं ना पाए अगर रुक्मणी से भूल में तुम कृष्ण को रहे बनाए यहाँ पर क्रय विक्रय चर्चा कैसे गई आए साक्षात पूर्ण ब्रह्म शक्ति जो रहे कहाय उनकी है लीला भैया प्रेम से रंग जो बरसाए वो व्रत करया सत्य बाबा नेम को सुनो पुगाए हर जितन व्रत पूर्ण हुआ दिधि ये रही बताए ब्राह्मण को जिमाव और दक्षिणा दे मन की खाए दक्षिणा देने से पहले वचन क्या पुकारना होगा देव ऋषि नारदी का वचन फरमाना होगा कृष्ण मांगो दक्षिणा में देख कर घबराना होगा बात रही प्रगटा देव ऋषि बोले मेरी बात सुनो चित लाए अभी तो सभा के बीच मलाड़ा देवो लगाए एक में कृष्ण बैठेंगे और एक में कृष्ण बैठेंगे एक वस्तु ऐसी लाए करते बराबर तो कृष्ण जी छोड़ एक तरफ बार बार उनको रही सदाई श्री कृष्ण उठे नहीं जब श्री कृष्ण उठे नहीं सब मारही पछताए हे दीन बंधु दीना नाथ गति लखी नहीं जाए वे ऊपर अब दया करो बंद ये देव छुपाए बोले थे कृष्ण कथन जो दूंगा बताए रुक्मणी से पूछ रुक्मणी से पूछ तेरा सपना साकार हो माजा के भी तेरा फिर क्या अहंकार हो रुक्मणी से सत्य बाबा अंत दो उदार हो और बोली रुक्मणी जी सुने समता को धारो हो तुलसी का पत्ता दे दे तक मैं दे दे प्रेम रूपी सत्ता गही की है ज्ञान की कृपा बाबा गोर धन संत ये सुल्तान की सुबह खेड़ा बच्चे उत्तम स्थान की निज
ये प्रसंग सतबामा जब आगे करेगी वर्तना वो तो पारिजात आने के बाद करेगी, ये पहले वर्त करवा दियो पारिजात आओ तो दूर ही रहेगा। मैं धन्य महाराज आपको भी चतुरता होनी चाहिए कि मिलकर में तो रा रखा है भाई। दर्जी नाड़ो शिम शिम के दे दे अगला पजामा बलग तो रे राख भाई मेरे घर तो यही आए तो तेरो वो धनी कपड़ाड़ो के करोगे भाई नाड़ा त्राची हो जाएगा क्यों तू नाड़ा ठाए कर लो भाई अपना। तो ये तो वो है अब भाई केवल कपड़ो ले आए तो ना भाई तेरह तीन खोल कर बताओ तो खोल तो दियो ही नाड़ो खुल गई
जाते। भगवान कृष्ण प्रातः काल में उदास थे, उसी समय देवराज इंद्र आते द्वारका में। क्या बात, भगवान कृष्ण से मिलने के लिए इंद्र आए द्वारका में। युद्ध कराने के मेलों में कृष्ण उदास थे और इंद्र भी उदास थे। देवराज इंद्र को कृष्ण प्रणाम करते हैं और कृष्ण को इंद्र प्रणाम करते हैं। यथा योग होने के बाद इंद्र गडवा के मुंह लगाने दे खेत बचा आ गई थी भाई। ये थाली का लगा लो, ये तो गडवा से भाई ब्राह्मण तो पराठ के भी लगा दिया। ये थाली का लगा ले देख ले तो भगवान कृष्ण गुरु भगवान कृष्ण से इंद्र मिलते ही भगवान कृष्ण ने इंद्र से पूछा, कहो देवलोक का क्या हालचाल है। दूध को दो मारा। इंद्र कहते हैं कृष्ण, बोले यार मेरी भैंस दूध ना दे, बांगड़ पाड़े पांच चार। मैं कार्य के लिए आया हूँ आपके पास। मारी भैंस दूध ना दे, इतनी देर में करोगे महाराज यो क्या करे। बोले यार की भैंस दूध ना दे, बोले एक और बनेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे लायक होगा था उसको दे रही ना। इंद्र कहते हैं आपके लायक है, रोड़ो गाल्या करे। मेरे लायक है तो मैं जरूर करूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्र, मैं आपके कार्य को अवश्य करूंगा, पर एक काम छोटा सा महाराज जी से। वो क्या कि तेरला कर पत्र में बेरला बताऊंगा। जब मैं आपका काम कर दूंगा तो मेरा भी काम भी मैं आपको बता दूंगा और वो काम आपके हाथ। जैसे आप मेरे लिए आए हो ना कि तुम्हारे काम का है, हाथ का है वो काम, तो मैं करने के लिए तैयार हूं, पर मेरा काम तुम्हारे हाथ का है वो तुम्हें भी करना होगा। दोनों कहते हैं ये मस्त ऐसा ही होगा। देवराज इंद्र से भगवान कृष्ण कहते कहो आपका वो कार्य क्या है। इंद्र कहते हैं कि कृष्ण भाई बुरा लीजिए मिट्टी चा पहला। सभी देवता मृत्यु लोक के एक असुर से भय आतुर है। भौमासुर नाम का एक भयंकर दैत्य है और वो देवताओं के लिए अजय है। पिता में ब्रह्मा ने उसे तपस्या के प्रभाव का ये वरदान दिया है कि वो देवताओं से अजय है, देवता उसे जीत नहीं सकते। और उसने अमरत्व का वरदान पाने के लिए पिता में ब्रह्मा से तपस्या करके और यत्न किया। पिता में ब्रह्मा ने कहा कि अमरताओं के लिए तो वत्स्य मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अमरताओं कैसे प्रदान कर दूं। हाँ कठिन से कठिन मृत्यु मैं तेरे लिए दे सकता हूं कि जब तक तेरी माँ अपने मुंह से ना कहे कि मारो इसे तब तक तेरी मृत्यु नहीं हो। और माँ बेटा ने मान खातर कदे ना कहे।
कृष्ण कहते हैं ठीक है, तो पिता में ब्रह्मा ने प्रदान दे दिया होगा, और आप अब इस कार्य के लिए मेरे को आपने क्यों चुन लिया? जब देवताओं के लिए अजय है तो मेरे लिए भी वो अजय है। इंद्र कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम्हारे वायंग में जो शोभा पाने वाली सत्भामा है ये पृथ्वी का अवतार है, और वो भामासुर जो है दैत्य वो पृथ्वी का पुत्र है। नरकासुर दैत्य से पैदा हुआ है और वो पृथ्वी का पुत्र है, और ये सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है। और जब ये कहेगी कि इसे मारो तो ब्रह्मा जी का वरदान भी सत्य होगा और देवताओं का और त्रिलोकी का कल्याण भी हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मस्त ऐसा ही होगा। अब भगवान कृष्ण अपनी सेना को लेकर के और शोणितपुर में जाते हैं। दैत्यराज के वध के लिए भगवान कृष्ण सत्यभामा को साथ लेकर के और गरुड़ पर सवार होकर के सोनपुर में जाते हैं। अभेद किले के अंदर उस दैत्य ने अपने आप को सुरक्षित कर रखा था, और उसी दैत्य ने अनेकों राजवंशों से राजकन्याएं ला ला करके 16,100 राजकन्या जो अच्छी लगे वो 16,100 हाँ मरे भी सी पास एक पर्वत के ऊपर उसने एक किला बना रखा था, उसमें उन बालाओं को कैद कर रखा था। अब भगवान कृष्ण सत्यभामा को लेकर के वहां जाते हैं, और भाई रात तो चली गई बातों बातों में। ये सही है जी, ये तो भयंकर युद्ध होता है, और जब भगवान कृष्ण ने अपने अस्त्र शस्त्र का खूब संचालन कर लिया, परंतु वो दैत्य सब अस्त्र शस्त्रों को काटता रहा। आखिर में जब भगवान कृष्ण कुछ कमजोर पड़ने लगे तो सत्यभामा कहती है प्रभु क्या करते हो, मारो इसे और चक्र से मारो, सुदर्शन लेकर के मारिए इसे। अब मारो मारो तीन बार कहा ना, तो ब्रह्मा जी का वरदान था उसी दो गया। क्यों? वो तो पृथ्वी की अवतार थी, मां ने कह दिया ना मारो इसे मारो मारो। तो भगवान कृष्ण उस दैत्य का काम तमाम कर देते हैं, और जो 16,100 राजबालाएं थे उनकी बंद छुड़वाते हैं, और उनसे कहते हैं कि बालाओ आप जहां जहां जाना चाहती हो वहां वहां मैं तुम्हें विधिवत और सम्मान तुम्हें भेज सकता हूं। पर वो कहती है नहीं प्रभु हम नहीं जाएंगे। क्यों? कि हमने तो यहां पर्ण कर लिया था, जो हमारा बंधन छुड़वाएगा वही हमारा सर्वस्व होगा, वही हमारा सर्वस्व होगा। तो हे प्रभु हमने तो मन से आपको वर्ण कर लिया है, अब हम और कहीं नहीं जाएंगे। तो भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। गरग मुनि जी कहते हैं बद्रनाभ से कि 16,100 तेरी प्रदादी न्यू आई थी भाई, यानी 16,108 का भी और अब पारिजात का भी प्रसंग इसी एक ही प्रसंग में है दोनों। अब भगवान कृष्ण उन्हें लेकर के आते हैं द्वारका में, और सभी के साथ सामूहिक पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता है,
बड़ी खुशी मनाई जाती है। इधर देवलोक से अचानक देव ऋषि नारद आ जाते हैं और देव ऋषि नारद से भगवान कृष्ण कहते हैं, नारद जी इंद्र आए थे देवताओं के कार्य के निमित्त, वो तो मैंने कर दिया, अब मेरा कार्य था इंद्र से, उसका संदेश आप लेते जाओ। क्या संदेश है? कि इंद्र से आप जाकर के कह देना देखिए अब समय के अनुसार ही तो धुंधी रहेगी। और पंडित दुर्गेश महाराज से मेरी गुजारिश है, आज के जमाने के साथ जो चलेगा वो कलाकार जिंदा रहेगा, उस जमाने से जो हट करके अपनी ही प्राचीन कला पे डटा रहेगा वो रह जाएंगे पीछे तोड़। हमारे एक साथी हैं जो आज दुनिया में नहीं रहे, यहाँ आया था हर साल गुरु निकल गई, भाई पुराणी लाल जी जांगड़ा ब्राह्मण जो हर साल यहाँ आया करते अपने कार्यक्रम, आपकी बार वो विदा हो गए, हमसे जुदा हो गए, हारमोनियम बजाया करते, और पंडित जी परमानंद जी के ऐसे शिष्य थे, वो विद्वान भी थे और सुरीले भी थे और सज्जनता भी थी, और हम उनको अपने बड़े भाई के नाते से मानते थे। प्रमाण से भगवान विदा हो जाता है, हम अभी आपके बीच में कहेगा हमसे विदा हो गए चले गए पंडित मोजी राम जी जो दंगल के शेर थे। एक परिपाटी घटती जा रही है और मैंने सभी कवियों से अनुरोध भी किया था अपने शिष्यों को इस प्रकार की जो एक ज्ञान की घुटी है ये दो, ताकि कम से कम वो दोबारा से ये पद्धति जिंदा रहे ना, अपना साथ लेके चला जाओगा तो फिर मैं लग जाऊंगा। इसलिए रही बात उनके सपुत्र है भाई विकास, जिसने हमारे एक साल भर में जहां जहां कार्यक्रम हुए आप हम सब की एक ही नहीं सभी की, वो जितने भी मतलब के कवि सम्मेलन हुआ वो सब के सब नेट पे डाल दिए। आज किसी को फोन नंबर बताने की आवश्यकता नहीं, जो प्रोग्राम बज रहे हकीकत में नेट की वजह से हम तो हमा की कर रहे, जो नेट ना हो तो हम भी फिर गोड़ी गेट हो जाओ, नेट नहीं डाट रखे ना, ना नेट ना गोड़ी गेट, विदेशों तक समाचार आते हैं कि भाई आपकी वो रागनी हमने सुनी, तो ना नेट पे नंबर भी सबके हैं, पंडित धुनिष्ठ जी के भी सबके नंबर है, और नंबरों पे बात भी होती है। अभी हमारे करीब जी सरपंच यहाँ थे, विदेश तक जाएगी, गाजी का थाना से आगे स्पेशल बुलाया भी आपकी वो एक रागनी पप्पू जी नेट पे अपना सारी कर रहे हो। तो इसी बात पर जब प्रोग्राम बन गए तो हमें इसके साथ चलना पड़ेगा, और हम इसे पीछे रह गए तो फिर गलत। रही बात धुनों की बात है, धुन के लोग भी नेट पे ही बताते हैं जी आपने ये धुन गा रखी है दोबारा फिर वो गा दी, उसमें थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है, हमारा कर्म है बम्बई पैसा है तो इस काम को जरूर से जरूर, कोई बात नहीं आपसे वो नहीं करेंगे, आप नहीं गा सकते, गा सकते हैं ओ भाई बम्बई बुलाऊंगा था ना, कोई बात नहीं आप बम्बई बुला लेगा फिर खुद करो मालिक बुलाऊंगा, जन्म लाकर आया तो बम्बई जाना है बुलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, टिकट कटवाओ खुद करो आइए, और धुन भी आपके बीच में पुरानी धुन सुनिए।